बिना किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किए अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा अंक ला लेते हैं तो उसका श्रेय आप लोग किसको दीजिएगा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कैंडिडेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं और अगर आपको मन है कि पढ़ें तो आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा तैयारी करने के बाद आप अच्छा खासा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। हम सभी को पता है बिहार बोर्ड के द्वारा 23 मार्च को 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया और उसमें से साइंस संकाय में हमारे एक मित्र रुपेश कुमार मिश्रा जो और उन्हीं के छोटी सिस्टर खुशबू कुमारी जिनका रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया, बिना किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किए उन्होंने बोर्ड एग्जाम में 12वीं में 403 अंक अर्जित किए हैं और उन्होंने बताया इसका श्रेय अपने माता पिता और जो उनके भाई हैं उनको दिया। इसके साथ साथ इस रिजल्ट को देख करके उनके परिवार, उनके गांव के लोग, अगल बगल के क्षेत्र, बेनीपुर प्रखंड के क्षेत्र के लोग जो है बहुत ही उत्साहित और खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को एक उदाहरण भी दे दिया कि अगर आपके पास संस्थान नहीं है अगल बगल में अच्छा खासा तो आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और इसी तरह के उदाहरण मेरे गांव के एक स्टूडेंट का भी है, बिना किसी कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए उन्होंने मधुबनी जिला में टॉप किए हैं, पीयूष कुमार नाम है और कला संकाय से उन्होंने 463 अंक अर्जित किए हैं और वो भी बिना किसी कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए हुए। हालांकि उनके माता पिता जो है वो हमारे गांव के ही स्कूल में शिक्षक हैं और उन्होंने उनका जो माहौल है पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको कहीं संस्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने 463 अंक प्राप्त कर जिला टॉप बने हैं। ठीक है, जिला टॉप किए। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी दे रहा हूं कि कोचिंग संस्थान रहे न रहे, अगर खुद लगनशील रहिएगा, खुद तैयारी करिएगा तो आप पास जरूर हो जाइएगा और अच्छे खासे, और आपका भी नाम इस प्रकार से रोशन होगा। आप लोगों के गांव में, इलाके में कोई अच्छा स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा खासा अंक अर्जित किए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।